महाराष्ट्र की एक महिला IAS काफी चर्चा में है। इनका नाम है डॉक्टर पूजा खेड़कर। पूजा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की खबरें तैर रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग डॉक्टर पूजा खेड़कर के बारे में जानना चाहते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डॉक्टर पूजा खेड़कर VIP नंबर प्लेट वाली अपनी पर्सनल ऑडी कार का इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा इस ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर भी चलती थी। आरोप यह भी है कि पूजा खेड़कर ने पुणे के कलेक्टर कार्यालय से विशेषाधिकार मांगने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पुणे से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डॉक्टर पूजा खेड़कर पुणे में बतौर ट्रेनी IAS अधिकारी कार्यरत थी। अभी वह प्रोबेशन पर है। इस दौरान वह VIP डिमांड को लेकर चर्चा में आ गई। DM ने उनके खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत कर दी। पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे ने इस संबंध में मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा था। लेटर में कलेक्टर की ओर से कहा गया था, 3 जून को ज्वाइन करने से पहले ही पूजा खेड़कर की ओर से लगातार अलग कैबिन कार और आवास तथा कर्मचारियों की डिमांड की जाने लगी, जिसके बाद शासन की ओर से यह एक्शन लिया गया। अब डॉक्टर पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर कर दिया गया है। शासन के नए आदेश में कहा गया है कि IAS डॉक्टर पूजा खेड़कर अब अपने प्रोबेशन का बचा हुआ समय वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में तैनात रहेंगी। पूजा ने कलेक्टर कार्यालय से विशेषाधिकार की मांग को लेकर विवाद किया था, जबकि एक प्रोबेशन अधिकारी को ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है। IAS डॉक्टर पूजा खेड़कर पर आरोप है कि वह लाल नीली बत्ती और VIP नंबर प्लेट वाली अपनी पर्सनल ऑडी कार का यूज करती थी। आरोप है कि पूजा ने इस प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र शासन भी लिखवाया है। इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में VIP नंबर प्लेट वाली कार, आवास व एक कांस्टेबल कर्मचारियों की मांग की थी, जबकि नियमानुसार एक प्रोबेशन अधिकारी को ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती। डॉक्टर पूजा खेड़कर वर्ष 2023 बैच की IAS है। UPSC में उन्होंने 841 रैंक हासिल की थी। उनके पिताजी रिटायर्ड अधिकारी हैं।